सर चलिए आज के क्लास में क्या डिस्कस करेंगे, चेन के बारे में। कौन कौन सा चेन है, चेन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि हमारे पास में टोटल तीन तरह के चेन है। टोटल कितने तरह के चेन है, तीन तरह के चेन है। इधर आइए दिखाइए। यस सर। तो पहला जो चेन का टाइप है ये है इंजीनियर चेन, ठीक है। इंजीनियर चेन जो कि कितना है, 100 फिट का होता है। यहाँ पर हैंडल पर लिखा होता है कौन सा चेन का टाइप है, ये 100 फिट का होता है। ये जो है गंटर चेन है, गंटर चेन कितना फिट का होता है, 66 फिट का होता है, जो भी इसके हैंडल पे लिखा हुआ। और तीसरा यहाँ पर ये 20 मीटर का चेन, तीसरा यहाँ पर ये जो कि है मैट्रिक चेन कहेंगे। ये दोनों आएगा नॉन मैट्रिक चेन में, और ये चेन है कौन सा, मैट्रिक चेन का। ये तीन तरह का जो चेन है, अलग अलग टाइप का चेन है, इसके बारे में डिटेल्स में देखते हैं क्या क्या है। पहला जो चेन का टाइप होता है इसमें क्या करेंगे, देखिए इसका एक लिंक की लंबाई, ये गंटर चेन जो है, गंटर चेन में एक लिंक की लंबाई कितना होता है, 0.66 फिट का होता है। yes, sir, टोटल नंबर ऑफ लिंक कितने होंगे इसमें, 100 लिंक। टोटल लिंक कितने होंगे, 100 लिंक। एक लिंक की लंबाई कितनी होती है, 0.66 फिट। किस केस में, गंटर गंटर चेन के केस। यही अगर हम इंजीनियर चेन की बात करें, एक चेन की लिंक की लंबाई कितनी होती है, 1 फिट। इसमें भी कितने लिंक होंगे, 100 लिंक होंगे, ठीक है। 100 लिंक इसमें भी होगा, 100 लिंक इसमें भी होगा। फर्क क्या है, दोनों में सिर्फ लिंक से लेंथ का, ठीक है। और ये जो दूसरा चेन है, कौन सा चेन है, ये मैट्रिक चेन है। इसमें एक लिंक की लंबाई कितना होता है, 20 सेंटीमीटर का होता है। इसमें देखेंगे एक चीज कि क्या इसमें रखा हुआ है, कि जितने भी इंटरमीडिएट लिंक्स हैं उसके सबकी लंबाई, इंटरमीडिएट लिंक में सबकी लंबाई होती है 20 सेंटीमीटर, एक्सेप्ट फर्स्ट लिंक और लास्ट लिंक। फर्स्ट लिंक की लंबाई छोटी होती है, लास्ट लिंक की लंबाई भी छोटी होगी। क्यों होगी ऐसा, क्योंकि इसका जो हैंडल है, हैंडल के साथ में इसके लिंक के लेंथ को अटैच किया हुआ रहता है, इसलिए इसकी लिंक की लंबाई भी क्या होगी, छोटी होती है बाकी के रिस्पेक्ट में, ठीक है। इसमें कुछ टैलीज होते हैं जिससे ये हमें सहूलियत होता है, ये थोड़ा सा हेल्प मिलता है इसको काउंट करने में। टैलीज कहाँ होता है, देखेंगे टैली कहाँ होता है, टैली रहता है। देखिए यहाँ पर टैली निकल गया है, दूसरा टैली है। देखिए यहाँ पर टैली जो है, यहाँ पर दिख रहा है, ये टैली है। यहाँ पर कितना लगा है, 2 है। 2 है मतलब इसका क्या मतलब हुआ, कि यहाँ तक हैंडल से लेकर के यहाँ तक जो डिस्टेंस है कितना लिंक है, 20 लिंक। मतलब कि अगर हम चेनिंग करना है, डिस्टेंस मेजर करना होता है, और हम ये भूले नहीं या फिर एक एक हमको काउंट नहीं करना पड़े, इसलिए हम क्या करते हैं, टैली देख के ये इंश्योर हो जाते हैं कि कितने लिंक यहाँ तक आए हुए हैं, ठीक है। सिमिलर केस ये यहाँ पर आपका जो इंजीनियर चेन है, यहाँ भी आपको टैली देखने को मिलेगा। यहाँ पर टैली देखिए कहाँ पे है, वहाँ पे 10 लिंक। यहाँ पर ये 10 लिंक के बाद में एक टैली मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ तक की लंबाई कितनी हो गई, 10 लिंक हो गई। अब एक 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 लिंक का लंबाई अगर 1 फीट है तो यहाँ पर आ गया 10 फीट। तो इस तरह से जितना भी लेंथ का हमें मेजरमेंट करना होगा वहाँ पर हम इसका क्या कर लेते हैं, मेजरमेंट कर लेते हैं। दूसरी बात कि अगर एक चेन से ज़्यादा का डिस्टेंस मेजर करना होगा, तब क्या करेंगे, उसके लिए एरो यूज करेंगे। एरो लाइए, एरो कहाँ से, एरो। इसका यूज कहाँ करते हैं कि अगर लेंथ, नापने वाला लेंथ अगर एक चेन से ज़्यादा हो रहा है तो हमको कुछ मार्किंग करना होता है, वो उस मार्किंग के लिए इसका हम लोग यूटिलाइज करेंगे, ठीक है। इसका नाम होता है क्या, एरो। इसमें जो टेप है, टेप का यूज करेंगे किस लिए, चेन के लेंथ को स्टैंडर्डाइज है कि नहीं है वो मेजर करने के लिए। कि चेन हमारा सर्वेइंग करने से पहले चेन का टेस्टिंग करते हैं, सर्वेइंग करने के बाद भी करते हैं, क्योंकि चेन को फोल्ड करते समय, अनफोल्ड करते समय हो सकता है कि इसकी लंबाई में क्या हो जाए, परिवर्तन आ जाए, ठीक है। इसकी लंबाई में क्या होती है, चेंजेज आ जाता है, या तो बढ़ भी सकता है या तो घट भी सकता है। तो इसलिए सर्वे स्टार्ट करने से पहले हम चेन के लेंथ को पहले नाप लेते हैं। कहाँ पर नापेंगे, लैब में ही नापेंगे कि वो हमारा चेन सही है कि नहीं है, और ख़त्म होने के बाद भी क्या करेंगे, उसके लेंथ को मेजर कर लेंगे कि हमने जो लेंथ लिया है वो क्या हम एक्यूरेट चेन से लिए हैं कि इनएक्यूरेट चेन से लिए, ठीक है। तो इसके लिए जो लेंथ मेजर करते हैं, देखिए लेंथ कितना है, इधर आइए, इसका लेंथ और नापिए कितना है ये। देखिए एक लिंक की लंबाई यहाँ पर कितनी है, 1 फीट आ रहा है। कौन सा चेन है ये, इंजीनियर चेन है, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पर देखते हैं गंटर चेन का, या फिर इसका देख लेते हैं, इसमें आएगा कितना, मैट्रिक चेन इसमें आना चाहिए 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर भी इसकी लेंथ की लंबाई देख लीजिए कितना आता है, 20 सेंटीमीटर का यहाँ तक आता है, एक रिंग तक का, ठीक है, 20 सेंटीमीटर का एक लिंक की लंबाई है।
और यहाँ से जो आता है इसका डिस्टेंस ना, ये ब्रास से नापता है इसको, ठीक है, ब्रास हैंडल तक ये 20 सेंटीमीटर का यहाँ भी डिस्टेंस ये देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये टोटल ये तीन तरह का चेन यहाँ पर हमने डिस्कस किया। अब देखते हैं इसका फोल्डिंग और अनफोल्डिंग कैसे करेंगे। फोल्डिंग का मतलब क्या हो गया, चेन को फोल्ड करना। अनफोल्डिंग का मतलब चेन को खोलना। चेन को खोलने का प्रोसीजर क्या होता है कि इस हैंडल को लेफ्ट हैंड में पकड़ते हैं और बचे हुए चेन के बंचेज को हम इस तरह से थ्रो करते हैं, राइट हैंड से उसको थ्रो करते हैं ताकि चेन क्या हो जाए, अनफोल्ड हो जाए, खुल जाए। तो फोल्ड करें, अनफोल्ड करके दिखाइए कैसे होता है। चलिए अब इसको खोलिए। इसको अनफोल्ड करने के बाद एक हैंडल को दूसरे सिरे पर ले जाते हैं और फिर इसको खोलते हैं। अब इसको फोल्ड करने के लिए, जब इसको फोल्ड करना होता है तब क्या करते हैं, इसका सेंटर पॉइंट देखिए, मिडिल में इसका एक टैली लगा था जो सर्कुलर रहता है। ये सर्कुलर टैली ये बताता है कि इसका कौन सा पॉइंट है, मिडिल पॉइंट है। जब इसको फोल्ड करना होगा इसको मिडिल पॉइंट से हम पिक करेंगे और मिडिल पॉइंट से उठाने के बाद क्या करेंगे, इसको हम फोल्ड करते हुए चलेंगे। कैसे, लेफ्ट हैंड में दो को एक साथ क्या करेंगे, इकट्ठा करते हुए इन दोनों को सबको क्या करेंगे, अटैच करेंगे। इसको फोल्ड करने का ये होगा, ठीक है। अनफोल्डिंग में क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड में हैंडल को पकड़ेंगे और राइट हैंड से उसको थ्रो करेंगे। और जब फोल्डिंग करना होता है तब क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड में इस सबको बंच को हम लोग क्या करते हैं, इकट्ठा करते हुए चलते हैं, ठीक है। तो ये प्रोसीजर है आपके फोल्डिंग का। और शुरू में जो प्रोसीजर बता सकता था अनफोल्डिंग, चाहे चेन का टाइप कोई भी हो, चाहे चेन का टाइप कोई भी हो, सब में प्रोसीजर क्या होगा, सेम होगा। जैसे यहाँ पर टैली कितना दिख रहा है, चार दिख रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, 40 लिंक कहाँ से, ब्रास हैंडल से 40 लिंक कहाँ से, दूसरे वाले हैंडल से, इधर से, नज़दीकी हैंडल से, जहाँ भी इसका शॉर्ट लेंथ होगा। और चार के बाद में कहाँ पर आएगा, पाँच पे आएगा, यहाँ पर कैसा लगा रहेगा, मिडिल पॉइंट होगा सर्कुलर का। तो यहाँ से क्या करेंगे, इसको इस तरफ से इसको क्या करेंगे, फोल्ड करेंगे, ठीक है। चेन को अनफोल्ड करने के बाद, चेन को जब ओपन कर लिया अनफोल्ड करने के बाद, यहाँ पर डिस्टेंस मेजर करना होता है। सबसे पहले क्या करते हैं, रेंजिंग करते हैं। क्या प्रोसीजर करेंगे, रेंजिंग का करेंगे। मतलब क्या हो गया, रेंजिंग का मतलब है कि एक सीधी रेखा बनाना, एक सीधी लाइन बनाना, मतलब दो रेंजिंग रॉड के बीच में तीसरा रेंजिंग रॉड इस तरह से लगाएंगे कि क्या बन जाए, एक सीधी लाइन बन जाए, एक स्ट्रेट लाइन बन जाए, वो क्या कहलाता है, रेंजिंग कहलाता है। जैसे पहला रेंजिंग रॉड ये है, दूसरा रेंजिंग रॉड और तीसरा रेंजिंग रॉड, तीन रेंजिंग रॉड यहाँ पर दिखाया गया, तीनों को क्या किया है, रेंजिंग किया हुआ। इन तीनों को रेंजिंग करने के लिए यहाँ पर देखेंगे, यहाँ देखेंगे तीनों रॉड एक सीध में है, तीनों रॉड को देखें एक सीध में है कि नहीं। यहाँ से एक तीनों रॉड एक दूसरे को ओवरलैप कर रहा है, मतलब क्या है, एक सीध में यहाँ से दिख रहा है। अब इसके लिए क्या करेंगे, डिस्टेंस मेजरमेंट करेंगे, दूसरे एक रॉड से दूसरे बीच का डिस्टेंस कितना है विद द हेल्प ऑफ चेन, क्या करेंगे, कितना डिस्टेंस है। इस हैंडल को रॉड के पास में लगा के रखेंगे, देखो रॉड के पास लगाइए, फिर दूसरे हैंडल वहाँ से इसको टाइट करें, कितना डिस्टेंस बताए इसको नापने, यहाँ पर कितना आ रहा डिस्टेंस, यहाँ पर नंबर ऑफ टैलीज कितना है, यहाँ पर नंबर ऑफ टैलीज कितना रहा है, 2 आ रहा है, मतलब वहाँ से कितने लिंक हो गए, वहाँ से 20 लिंक हो गए। एक लिंक की लंबाई है एक फीट, यहाँ पर कितना आ गया, 20 लिंक की 20 फुट, 20 हो गए। यहाँ पर देखिए यहाँ कितना है, यहाँ पर कितना हो गया, 30 हो गया, 30 चली यानी 30 यहाँ पर देखिए कितना है, 40 40 है, यस सर, 40 से थोड़ा सा ज़्यादा है, यस सर, ठीक है। तो ये जो बीच वाला पार्ट है, या तो हम इसको टेप से मेजर कर लेंगे, ठीक है, और नहीं तो ऐसा ज़्यादा पेरोड के लिए यूज करेंगे जहाँ पर ये रहता था, नहीं तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये 40 फीट हो गया, यहाँ तक 40 लिंक हो गए। और यहाँ के बाद क्या कर लेंगे, पेरो लगा करेंगे या तो टेप से मेजर कर लेंगे, एक्यूरेट मेजरमेंट अगर करना हुआ, ठीक है। चेन सर्वेइंग का मेन वर्क होता है क्या करना, एरिया मेजरमेंट करना, क्या वर्क होता है, एरिया मेजरमेंट करना। एरिया मेजर करेंगे किस तरह से, ट्रेंगुलेशन से, चेनिंग का प्रिंसिपल क्या होता है, ट्रेंगुलेशन से, ठीक है। तो ट्रेंगुलेशन क्या करेंगे, एक हम ट्रेंगल टाइप का बनाएंगे या पेंटागन बनाते हैं, उसका हम लोग क्या करते हैं, बेसलाइन पहले बनाते हैं, बेसलाइन बना के फिर उसको एरिया में कन्वर्ट करते हैं।
एरिया बना के उसका फिर हम एरिया निकाल लेते हैं और मेजर करेंगे किससे, चेन से। और इसकी एक्यूरेसी को मेजर करने के लिए कितना ज़्यादा एक्यूरेट किए हुए हैं इसको हम लोग क्या करेंगे, टेप से नापेंगे। ठीक है, ये होता है चेन सर्वे में सारा प्रोसीजर। टाइप्स ऑफ चेन बताए, टाइप्स ऑफ चेन के बाद क्या है, टैलीज इसके, तीनों में डिफरेंट डिफरेंट थे, और चेन का फोल्डिंग, अनफोल्डिंग, रेंजिंग और मेजरमेंट ऑफ चेन। ठीक है, आज के क्लास में इतना ही, फिर अगले क्लास में।